हेलो फ्रेंड्स, अगर आप ओमान में रहते हैं तो दो बड़ी न्यूज़ ओमान से लेकर आया हूं मैं आपकी जानकारी के लिए। दोनों न्यूज़ बहुत ही अपडेट है, दोनों न्यूज़ बहुत ही खास है दोस्तों। तो चलिए मैं बताना शुरू करूं, लेकिन उससे पहले बता दूं दोस्तों कि अगर आप गल्फ कंट्रीज़ में रहते हैं तो गल्फ कंट्रीज़ की पल पल की अपडेट पल पल पाने के लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी वाला बटन दबा दो। और हाँ दोस्तों, वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना। पहली न्यूज़ है दोस्तों, मस्कत म्यूनसिपलिटी ने एक कैंपेन शुरू किया है दोस्तों। उस कैंपेन के तहत जितने भी फास्ट फूड है और रेस्टोरेंट है जो अदर देन ओमानी के हैं, मतलब नॉन ओमानी, जो ओमानी के नागरिक नहीं हैं उनके हैं, ऐसे सभी रेस्टोरेंट और फास्ट फूड के मालिकों का चेक किया जाएगा, हेल्थ चेकअप किया जाएगा दोस्तों कि उनको कोई बीमारी है कि नहीं, वो स्वस्थ हैं कि नहीं। और ऐसे सभी लोगों का चेक करने के बाद ये इंश्योर किया जाएगा कि वहाँ जो खाना खाने आते हैं, जो ड्रिंक करने आते हैं, शरबत वगैरह पीने आते हैं, या ऐसे रेस्टोरेंट में जो विजिट करने आते हैं, उनकी भी सेहत ठीक रहे। इसके मद्देनज़र जितने भी फास्ट फूड है उन सबके मालिक को मेडिकल चेकअप किया जाएगा जो कि ओमानी नागरिक नहीं है, चाहे वो इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली हो, बांग्लादेशी हो, कोई भी, उन सबका मेडिकल चेकअप होगा। दूसरी न्यूज़ आ रही है दोस्तों, अल मवाले सेंट्रल मार्केट को अगले कदम तक के लिए बंद कर दिया गया है। वहाँ पे कुछ ऐसा पाया गया, ज़्यादा भीड़ पाई गई दोस्तों, उसके मद्देनज़र रखते हुए मस्कत म्यूनसिपालिटी ने जो अल मवाले सेंट्रल मार्केट है, जो साग भाजी और फ्रूट का मार्केट है, उसको आज से बंद कर दिया है और अगली तारीख तक बंद रहेगा। ये तारीख कौन सी है ये कुछ नहीं बताया, जब भी ये तारीख आएगी खुलने का बताएंगे तो मैं आपके पास लेकर आ जाऊँगा। फिलहाल ये दो न्यूज़ थी दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो।